आज की जो टॉपिक है वो क्या है हमारा, आज हम लोग पढ़ने वाले यूनिट सेल एंड क्रिस्टल लैटिस। यूनिट सेल एंड क्रिस्टल लैटिस। तो यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल एक थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है किसका, पार्टिकल का। अ स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन थ्री डायमेंशन इज कॉल्ड यूनिट सेल। यूनिट सेल ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, यूनिट सेल ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस डिफाइंड एज अ स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल विच रिप्रेजेंट कंप्लीट क्रिस्टल। यार एक यूनिट सेल एक ऐसे अरेंजमेंट है जो अगर तुम यूनिट सेल के बारे में स्टडी कर लिया तुम्हें कंप्लीट क्रिस्टल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गया। अब समंदर का पानी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना तो पूरा समंदर लाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा पानी लिया ओके। तो यूनिट सेल क्या करता है, यूनिट सेल है क्या, यूनिट सेल का स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट है किसका, पार्टिकल का, जो पूरा क्रिस्टल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना बॉस। ओके नेक्स्ट आता है तुम्हारा क्रिस्टल लैटिस। क्या आता है, क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस के लैटिस क्या, क्रिस्टल लैटिस का डेफिनेशन हो सकता है कि रिपीटिंग यूनिट ऑफ यूनिट सेल इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन अ स्पेस कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। ओके हम लोग डायग्राम से देखते हैं क्या होता है। मान लो मैं देखो ध्यान से देखना डायग्राम में कैसे बना रहा हूं, ठीक है ना, काम आएगा तुम्हें। ओके समझ आ रहा ना, इतना पहले बना लेना उसके बाद ये लाइन मिला दी हम। ओके फिर ये मिल गया, अब ये याद हो गया एक क्यूब बन गया। यार अब ध्यान दो, मैं यहां पे पार्टिकल दिखा रहा हूं, ठीक है पार्टिकल। अब तेरे माइंड में इंफॉर्मेशन जा रहा होगी सर पार्टिकल के बीच में गैप क्यों, मैं सिर्फ पार्टिकल का सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सिर्फ सेंटर को। ओके अब ये स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट है थ्री डायमेंशन का ना, तो ये स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट को हम क्या बोल सकते हैं, यूनिट सेल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, यूनिट सेल। और ये जो पूरा अरेंजमेंट है इसे क्या बोलेंगे हम लोग, जो यूनिट सेल का रिपीटिंग अरेंजमेंट है इसे क्या बोल सकते हैं लोग, क्रिस्टल लैटिस बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस बोलेंगे। ओके तो स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस दोनों क्या है, सेम चीज है, ठीक है ना, ध्यान दो जरा। तो यार मान लो अब ये देखा यूनिट सेल क्या हो गया, यूनिट सेल एक स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट है किसका, पार्टिकल का। यूनिट का डायमेंशन देख रहे हैं, ये यूनिट सेल हो गया, ठीक है ना। अब इसे किसे क्या बोलते हैं, इसे एज लेंथ बोलते हैं, इसे एज लेंथ हो गया ये। ओके बॉस जहां भी पार्टिकल उसे क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट बोलते हैं, लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड बोलते हैं, ठीक है ना, लैटिस पॉइंट। ओके एक्चुअली पार्टिकल ऐसे नहीं, पार्टिकल कुछ ऐसा है, ठीक है ना। उसके सेंटर हमने दिखा दिया सिर्फ, देखो मैं अभी तुम्हें समझाता हूँ कैसे समझा रहा हूँ, गुड अब यार ये दिखाऊंगा कुछ ऐसा है। अब समझा पार्ट, ये जो इसका ये रिप्रेजेंटेशन हो गया और ये है, ये पार्टिकल सब क्लोज है एक दूसरे का, ये नहीं यहाँ पे अंदर हाथ चला जाएगा ऐसा कुछ नहीं, मैं पार्टिकल का सेंटर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डायग्राम अच्छे से समझाने के लिए। ओके ध्यान रखना, मान ली चार पार्टिकल है तो मैं चार पार्टिकल को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा सॉलिड शेप में, बस ऐसे डॉट डॉट से। तो टू डायमेंशन में स्क्वायर यूनिट सेल आ गया, ठीक है, हम लोग थ्री डायमेंशन में देख रहे थे, कोई दिक्कत नहीं ना। चल हॉबी का नेक्स्ट, पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल, पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल क्या होते हैं, यूनिट सेल का पैरामीटर, ये नया टॉपिक है। क्या है एक्चुअल में, कोई भी जो थ्री डायमेंशनल यूनिट सेल है उसके सिक्स पैरामीटर होते हैं। मान लो ठीक है बॉस, मैंने इसे एक्स एक्सिस मान लिया, ये एक्सिस है, ब्लैक मार्कर से
ड्रॉ कर रहा हूं, ये क्या है एक्सिस, ये क्या हो गया एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया ये तुम्हारा जेड एक्सिस मान लिया सर, ठीक है बस, और ये वाई एक्सिस मान लिया है, ओके। और तुम्हें एक्सिस तो बचपन से पता है, और मैं इस एक थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट बना ले रहा हूं, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यार ये एज लेंथ ये हो गया, ये भी क्या है एज लेंथ है, ये भी क्या है एज लेंथ है, तो ध्यान दो ये एंगल क्या हो गया ए, और इसके अगर ये हाइट भी है तो ये भी क्या होगा बी, ये भी बी है, ए और बी के बीच एंगल क्या हो गया अल्फा, बी और ये सी है तो ये भी क्या होगा सी, इसके बीच एंगल क्या हो गया बीटा, इसके बीच एंगल क्या हो गया गामा। तो यार एज लेंथ जो आते हैं थ्री डायमेंशन में एबीसी, तो देर आर सिक्स पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल पहला ए बी सी आर क्या आर एज लेंथ, आर एज लेंथ, आर एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल है, कोई दिक्कत नहीं है यूनिट सेल, ओके। नेक्स्ट अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा क्या एंगल बिटवीन एज ए एंड बी, एंगल बिटवीन बी एंड सी, एंगल बिटवीन ले लो ए एंड सी, ये आ गए एज लेंथ। अब इसका एप्लीकेशन क्या है समझते हैं एग्जांपल से कि इसका एप्लीकेशन क्या है। मान लो ए इक्वल टू बी हो गया, इक्वल टू सी हो गया, तीनों साइड क्या हो गया थ्री का थ्री साइड क्या हो गया थ्री साइड इक्वल हो गया यार, और एंगल अल्फा बीटा और गामा 90 डिग्री हो गया, तो यूनिट सेल का डिजाइन कैसा होगा, तो यूनिट सेल का डिजाइन होगा वो कैसा होगा, जो यूनिट सेल का डिजाइन होगा वो क्यूबिकल होगा, क्या होगा क्यूबिकल, ओके एक क्यूबिकल बन गया, ठीक है ना। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल मान लो मैं ना ए इक्वल टू बी लिया और नॉट इक्वल टू सी लिया, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री लिया। अब इसे एग्जाम्पल बनाना, एक शेर बनाना, तो इसमें क्या ए इक्वल टू बी, ए इक्वल बी, ये इक्वल बी ले लिया, ठीक है ना, बट सी डिफेंड कर दिया, ठीक है बस, बन गया ना सेम यार, ये क्या है परपेंडिकुलर है दूसरे का ना, ये सब सारा एंगल कितना है 90 डिग्री है ना, सारा 90 है, कोई दिक्कत नहीं, बट दो साइड क्या है सेम है, एक साइड क्या है डिफरेंट, तो इस शेप का नाम क्या हो गया टेट्रागोनल। तो इस तरह सिक्स पैरामीटर है किसका यूनिट सेल का, कॉपी करो। नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने जा रहे टाइप ऑफ यूनिट सेल, टाइप ऑफ यूनिट सेल, दो टाइप का यूनिट सेल होता है, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है, एक नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है। जो हमारे प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है उसमें जो पार्टिकल का अरेंजमेंट आता है, जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं पार्टिकल का वन पार्टिकल टू अदर पार्टिकल जब हम ज्वाइन करते हैं तो उसमें सिर्फ जो शेप बनता है उसमें सिर्फ पार्टिकल कॉर्नर पे ऑक्यूपाई करता है, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल हम किसको बोलते हैं, ध्यान दो, वेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल, कहां पे प्रेजेंट होगा, जैसे मान लो एक यूनिट सेल बनाया है तो उसमें पार्टिकल जो आएगा कहां पे आने वाला है, सिर्फ कॉर्नर पे आएगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलेंगे, क्या बोलेंगे प्रिमिटिव, सिर्फ कॉर्नर पे आएगा तो, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट होता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसका नाम दूसरा सेंट्रॉइड यूनिट सेल, तो इसमें पार्टिकल कहां पे होगा कॉर्नर पे होगा और अदर देन कॉर्नर पे पोजिशन आ जाएगा, ठीक है ना। वेन ए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज अदर देन कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल, कोई कॉर्नर के अलावा भी कोई पोजिशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो तुम्हारा सेंटर्ड यूनिट सेल होता है वो तीन टाइप का होता है, कितने टाइप का होता है थ्री टाइप का। पहला फर्स्ट होता है तुम्हारा बॉडी सेंटर यूनिट सेल, सेकेंड तुम्हारा होता है फेस सेंटर यूनिट सेल, और थर्ड होता है तुम्हारा इन सेंटर यूनिट सेल, ओके।
तो ध्यान दो बॉडी सिंपली न्यूट्रल पार्टिकल कहां पे होगा, पार्टिकल यहां पे जो सिंपली है, ध्यान दो इस डायग्राम में यहां पे जो पार्टिकल होगा पूरा क्या होगा, कॉर्नर पे तो होगा ही, कॉर्नर पे तो सारा पार्टिकल होगा ही। क्या डिफिनेशन लिखा हुआ, सच ए यूनिट सेल कंटेन्स वन पार्टिकल एट इट्स बॉडी सेंटर, एक बॉडी सेंटर में होगा, ऑफ यूनिट सेल एज वेल एज कॉर्नर एंड सारे कॉर्नर पे होगा। जी मान लो यूनिट सेल ने लिया क्यूब है, क्यूब का सारा कॉर्नर में पार्टिकल लगा दो और एक बॉडी सेंटर उसके सेंटर में डाल दो, तो उस टाइप का एल्जीमेंट हम लोग क्या बोलने वाले, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर यूनिट सेल। फेस सेंटर में क्या है, सच यूनिट सेल कंटेन्स वन पार्टिकल प्रेजेंट एट ईच फेस जैसे डाल दो, ये क्यूब शेप बनाया तुमने, ये जो क्यूब शेप बनाया तुमने ओके मान लो ठीक है ना, इसे सारे कॉर्नर में पार्टिकल होगा ही किसमें, फेस सेंटर में, और साथ में इसके सारे फेस में भी होगा, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इसे बोलेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके नेक्स्ट, सच ए यूनिट सेल, नेक्स्ट तुम्हारा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर में क्या, एंड सेंटर में यूनिट सेल में क्या, सच ए यूनिट सेल कंटेन पार्टिकल कॉर्नर, कॉर्नर पे होगा और एनी टू अपोजिट फेस, ये थोड़ा ध्यान से समझना, ये थोड़ा ध्यान से समझो आराम से ओके। तो यहां पे क्या है, पार्टिकल कॉर्नर पे तो होंगे ही ठीक है ना, और कोई दो फेस में होगा ठीक है ओके। चलो मैं इसका डायग्राम थोड़ा अच्छे से बना देता हूं, कॉपी करो। चलो तुम तो छापने में माहिर हो यार, कॉपी कर लियोगे। तभी ध्यान दो, फिर से बता रहा हूं, पिरिमिटिव पिरिमिटिव अब डायग्राम देख लो सबका, पिरिमिटिव यूनिट सेल क्या था, पिरिमिटिव यूनिट सेल जिसको सिंपल यूनिट सेल बोलते, उसमें पार्टिकल कहां होता है, उसमें पार्टिकल सिर्फ किसमें आ रहा था, कॉर्नर कॉर्नर पे आ रहा था, किसमें आ रहा था, कॉर्नर में। तुमने एक ये पढ़ा ठीक है ना, उसके बाद क्या पढ़ा तुमने, सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल, इसके तीन टाइप थे, कितने टाइप थे, तीन। पहला कौन सा था, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, नेक्स्ट फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और नेक्स्ट इन सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या था, पार्टिकल यूनिट सेल का कॉर्नर पे होगा ही, कहां होगा, कॉर्नर पे होगा ही ठीक है, कॉर्नर पे है ओके। उसके अलावा, उसके अलावा एक बॉडी सेंटर भी था, ये बॉडी सेंटर हो गया। फेस सेंटर में क्या है, पार्टिकल का अरेंजमेंट, पार्टिकल ध्यान दो कॉर्नर पे होगा और साथ साथ अपोजिट फेसेस में होगा, क्या होगा, अपोजिट ध्यान दो, ध्यान दो इसमें फेस सेंटर में होगा, सॉरी फेस सेंटर में कॉर्नर में, और साथ साथ क्या होगा, ईच फेस सेंटर, ईच फेस जो चीज सिक्स फेसेस है, एक दो तीन चार पांच छह, और ये ब्लू वाला जो पार्टिकल है सारा फेस में, किसका फेस में, मान लो यूनिट का जो थ्री डी शेप है उसका फेस में। एंड सेंटर यूनिट में क्या था, पार्टिकल जो होगा कहां पे होगा, यहां पे उसके कॉर्नर में पार्टिकल होगा, कहां पे होगा, कॉर्नर में, और साथ में कोई दो अपोजिट फेस में, इसमें इसमें हो गया, अगर इसमें इसमें नहीं दिखाना है तो इसमें इसमें दिखा दो, इसमें इसमें नहीं दिखाना है तो आमने सामने दिखा दो, कोई दो फेस में दिखा दो यार, अपोजिट में दिखाना, क्या हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं ना, चलो छापो। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक, देयर आर सेवन टाइप ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल, जो प्रिमिटिव यूनिट सेल था सेवन टाइप का होता है ओके। फर्स्ट क्यूबिक, क्यूबिक मैनेजमेंट कैसा होता है, जब सारा साइड क्या हो इक्वल, एक क्यूबिक अरेंजमेंट हो गया, ये क्या हो गया, क्यूबिक हो गया। टेट्रागोनल, टेट्रागोनल जो तुम्हारा देखते हो इसके दो साइड इक्वल होते हैं, टेट्रागोनल का ना दो साइड इक्वल होते हैं, ये तुम्हारा टेट्रागोनल हो गया ठीक है बॉस ओके। ऑर्थोरॉम्बिक, माचिस का डब्बा देखे हो, नहीं देखे ना, देख लोगे घर में जाकर देख लेना, अरे घर पे होगा तब तो कुछ, इसमें सारे साइड क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, जितने भी इसके साइड हैं ठीक है ना, सारे साइड डिफरेंट होते हैं ओके।
हेक्सागोनल। हेक्सागोनल तो जब देखते होगे, हेक्सागोनल जो शेप होता है कुछ, मैं छोटा सा बना रहा हूं, ट्राइकोनल। ट्राइकोनल में क्या होता है ना, इसको थोड़ा धक्का दे दो इस क्यूबिकल को, इसके साइड इक्वल होते हैं बट थोड़ा इंक्लाइन डिजाइन होता है, सारी साइड इक्वल है ओके, इसे अपन पेमिटिव यूनिट सेल हो गया। मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक में जो होते ना साइड डिफरेंट होते सारे, इसके जितने भी साइड है सारा डिफरेंट होता है ओके, इसके सारे साइड डिफरेंट होते हैं। इसमें क्या था, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी था, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री था। टेट्रागोनल ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी है ओके, अल्फा बीटा और गामा 90 डिग्री। इमेज का डब्बा ऑर्थोरोम्बिक टेनोवस, इसमें भी ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी बट अल्फा बीटा और गामा 90 डिग्री, कैसे 90 डिग्री आ रहा ना यार, एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर। हेक्सागोनल में जो हेक्सागोनल होता है ना, हेक्सागोनल में तुम्हारा क्या होता है, हेक्सागोनल में तुम्हारा ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी और अल्फा बीटा 90 डिग्री होते हैं बॉस बट गामा 120 डिग्री होते हैं। और हेक्सागोनल में देखो ये एंगल 120 दिख रहा है यार, और ये सब क्या है 90 है ओके। ट्राइगोनल में, ट्राइगोनल में साइड इक्वल होते हैं बॉस, ए इक्वल टू बी होते हैं इक्वल टू सी होते हैं बट अल्फा बीटा गामा कोई भी एंगल नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, कोई भी 90 डिग्री नहीं होते ओके। नेक्स्ट मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक का डायग्राम तुम बनाने या बना देख क्या, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए साइड तीनों बराबर नहीं होते हैं ठीक है ना, अल्फा और जिसके बीटा है अल्फा और गामा 90 डिग्री मोनोक्लिनिक, अल्फा गामा 90 डिग्री होते हैं और बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री ओके बस। ट्राइक्लिनिक में, ट्राइक्लिनिक ए इक्वल टू बी ओके, ए इक्वल बी नॉट इक्वल टू सी, कुछ भी नहीं होते हैं, सारा अनसिमेट्रिकल, मोस्ट अनसिमेट्रिकल होते हैं, अल्फा बीटा गामा सारा क्या होता है, कोई भी ये नहीं होते किसके बराबर 90 डिग्री के बराबर नहीं होते, ट्राइक्लिनिक हो गया। ये तुम्हारा सेवन टाइप का पिरामिडल यूनिट सेल होगा, क्या हो गया सेवन टाइप का पिरामिडल यूनिट सेल, कॉपी करो। नेक्स्ट टॉपिक यार ये हम लोग अभी जस्ट देखे है ना ओके, तो मैं भी पढ़ने वाला सेवन पिरामिडल यूनिट सेल, ये दोनों पढ़ लिए थे एंड देयर पॉसिबल वेरिएशन सेंट्रल यूनिट सेल ठीक है ना। जैसे मान लो अब यार टोटल ना, टोटल सेंट्रल यूनिट सेल और पिरामिडल मिलाकर टोटल 14 पॉसिबल यूनिट सेल है, कितने हैं 14, आज इसको हम लोग क्या बोलते हैं ब्रेवियस लैटिस, क्या बोलते हैं ब्रेवियस लैटिस ओके। 14 यूनिट सेल और 14 कैसे ये सेवन हो गया, अब यार क्यूबिक में ना तीन और अरेंजमेंट होता है, बॉडी बॉडी सेंटर्ड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। और क्यूबिक का कंफ्यूगरेशन क्या था, क्यूबिक में कंफ्यूगरेशन क्या था, क्यूबिक ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी और अल्फा बीटा क्या होता गामा इक्वल टू 90 डिग्री, तो इसमें एक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल आता है। सेकेंड तुम्हारा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल आता है ठीक है ना, और एक पिरामिडिव आता है, पिरामिडिव जो पार्टिकल कॉर्नर पे रहेगा, तो कितने हो गए तीन हो गए। टेट्रागोनल, टेट्रागोनल में दो आते हैं, एक तो पिरामिडिव होता है टेट्रागोनल का पिरामिडिव यूनिट सेल और दूसरा दूसरा इसका बॉडी सेंटर यूनिट सेल होते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होते हैं।
तो 1 2 3 4 5 हो गए, ऑर्थो हम बीच में, ऑर्थो हम बीच में सारे आते हैं, पहला प्रिमिटिव आएंगे, ऑर्थो हम बीच में ना सारे आते हैं प्रिमिटिव, एक मिनट, दूसरा बॉडी सेंटर यूनिट सेल, तीसरा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और फोर्थ एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, कितने हुए, चार हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या 9 हो गया ना। नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट हमारा हेक्सागोनल, हेक्सागोनल में सिर्फ पिरामिडियम होते हैं, सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर में पार्टिकल मिलेंगे, ट्राइगोनल में पिरामिडियम होते हैं, ओनली पिरामिडियम, मोनोक्लिनिक में पिरामिडियम, प्रिमिटिव, और एक हमारा और होते हैं एंड सेंटर यूनिट सेल, और ट्राइक्लिनिक जो मोस्ट अनसिमेट्रिकल है वो भी क्या होते हैं, वो भी सिर्फ प्रिमिटिव होते हैं। तो टोटल प्रिमिटिव कितने हो गए, प्रिमिटिव मतलब पार्टिकल जो कॉर्नर कॉर्नर पे होंगे, ठीक है ना, तो कितने प्रिमिटिव हो गए, प्रिमिटिव 1 2 3 4 5 6 7 सब पहली प्रिमिटिव हो गए जिसमें कॉर्नर में पार्टिकल मिलेंगे। ट्राइक ध्यान दो, ट्राइक्लिनिक जो शेप है ना मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, कैसा होगा ध्यान दो, इसमें साइड क्या है, साइड भी डिफरेंट है सबका, एंगल भी डिफरेंट है, तो ना इसको धक्का दे दो यार, मान इसका डब्बा को धक्का दे दो, मान इसको डब्बा को अगर तुम धक्का दे दोगे ना क्या होगा, सारा एंगल 90 के बराबर नहीं रहेगा, और साइड तो डिफरेंट है ही ना, तो कुछ शेप कैसा बनेगा, मैं ट्राई कर रहा हूँ बनाने का, ओके कुछ शेप ना आ सब मेरा, मैं साइड भी डिफरेंट ले रहा हूँ, ठीक है, तो मैं ये किसका सर ऐसे बना रहा हूं, मैं एक ट्राई, ये मैं सेब बना रहा हूं यार, ये सेब किसका हो गया, ये सेब हो गया ट्राई क्लिनिक का, ठीक है, ओके ठीक है ना, चल अभी।